आयुष मैं उस सलमान को भी सुन रही थी जब उन्होंने बोला कि वो और ये के आयुष और इस इस आयुष में बहुत फर्क है ये फर्क कहां से लेकर आए जी आई थिंक जैसे मुझे पता चला कि मुझे ये फिल्म ऑफर हुई और ये मैंने कहानी सुनी मैं बहुत एक्साइटेड हो गया आ, कहीं ना कहीं लवरात्री के बाद मेरे को जितनी भी कहानी आती थी वो यही आती थी एक लड़का है उस लड़की से प्यार हो जाता है ये है वो तो पहली फिल्म में मज़ा आया करने का बट थोड़ा सा कभी कभी ना फील होता था कि यार मैं यही करूँगा क्या अभी बार 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 कुछ नया करने का मौका मिले तो नवंबर में जब ये फिल्म मुझे दिखाई गई और मुझे बताया कि ये कैरेक्टर प्ले करना है तो करना है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि एक तो एक्शन दूसरी बात है कैरेक्टर एक ग्रे स्पेस का कैरेक्टर है तो मुझे लगा कि इसमें मुझे सीखने को बहुत मिलेगा इसमें कुछ नया करने का मौका मिलेगा और मैं कुछ

जब कभी आप प्रोटैगनिस्ट की जगह आप ग्रे कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपके कंधों से कहीं कही ना कहीं एक शोल्डर हट जाता है कि मैं हर सीन करेक्ट होना चाहिए मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं हो सकता है मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं हो सकता है तो मुझे एक एक्साइटमेंट हुई कि इसमें मेरा कोई इस कैरेक्टर का कोई रोक ही नहीं है ये कुछ भी कर सकता है तो मैंने जब इसकी तैयारी शुरू की मुझे लगा कि यार अभी लवयात्री में मैं मैं बहुत पतला था मुझे लगा कि मुझे सिनेमैटिक रीजन्स के लिए मुझे ऑन कैमरा और बड़ा दिखना चाहिए ताकि बिलीव कर सके ऑडियंस की जो कैरेक्टर है ये ऐसा क्यों है तो उस टाइम की भी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और ट्रेनिंग हम मेरे मुझे वजन मेरा बढ़ ही नहीं रहा था कुछ पाँच से छः महीने हो गए थे मैं वज़न नहीं बढ़ा पा रहा हूँ मतलब सिक्सटी किलोज़ का था मैं लगा में तो सिक्सटी थ्री तक नहीं तो वो तीन तीन किलो के बाद मैंने कहा भाई ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी जाएगा मुझे टाइम जाएगा इसके अंदर तो मैंने कहा ठीक है तुम कर लो फिर अपना टाइम ले लो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आ, इस पिक्चर में मैं पुलिस वाले का किरदार करूंगा तो मुझे एकदम से झटका लगा कि मैंने कहा मेरे साथ पिक्चर क्यों करोगे आप मतलब आप इतने बड़े स्टार हो आप मेरे पास मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आ, कि आपके साथ काम करने का मौका है डर भी बहुत था कि मैं कैमरा में उनके सामने कैसे जाऊँगा और क्योंकि वो मेरे फैमिली हैं बट मोर देन आई थिंक वो मेरे एक मेंटर हैं मेरे गुरु हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके सामने खड़ा होना और वो भी सलमान खान द सुपर स्टार के सामने खड़ा होना exactly. वो पॉसिबल नहीं है यू uh, नो you know, उनके सामने जब भी एक एंटैगनिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं एक एंटेगनिस्ट का भी एक लेवल होता है ताकि वो सलमान खान के सामने खड़े हो सकें जैसे राधे में uh, रणदीप सर थे सुदीप सर थे दबंग सर तो इनके इनके सामने एक आपको चाहिए एक प्रेजेंस कि आप लगे कि आप सलमान खान के सामने खड़े हैं यू नॉट कॉन्फिडेंट नो 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 मुझे बिल्कुल ऐसा लगा तो मुझे कहीं ना कहीं और टाइम चाहिए था कि मैं अपनी आवाज पर काम करूँ आ, बालों पे कैसे होंगे बॉडी कैसा होगा चलने का अंदाज़ कैसा होगा और ये तो सब सिनेमैटिक कैमरा के लिए था बट इस कैरेक्टर का माइंड स्पेस क्या होगा वो समझने के लिए मुझे और टाइम चाहिए था तो जब हम लोग रेडी हुए फिर पैंडमिक आ गया